पूरा दिन ऐसे ड्राइव करते करते ना हम बोर हो ही नहीं सकते। वैसे पूरा दिन तो सीरियल नाटी पिंकी के पुनीत चौकसी के साथ बिताकर भी हम बोर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यही तो कर रहे हैं सास बहुवर मीडिया में हमारे साथ। इतना मजेदार डे आउट। कभी गिटार बजाते हुए, कभी मम्मी के साथ रसोई में डांस करते हुए, कभी भैया के साथ डांस करते हुए, पर यह है पुनीत चौकसी जिन्हें आप देख रहे हैं सीरियल नाटी पिंकी में बतौर अर्जुन। पर्दे पर भले ही नाटी पिंकी के साथ इनका खट्टा मीठा सा रिश्ता हो, लेकिन रियल लाइफ में ये हैं अपनी मम्मी के प्यारे बेटे, अपने बड़े भाई के प्यारे छोटे भाई, जो अपने भैया के साथ डांस करता है, मम्मी के साथ रसोई में हाथ बटाता है, गिटार बजाने का शौकीन है और साथ साथ अपनी फैमिली से करता है बहुत प्यार। सास बहू बेटिया आज पूरा दिन बिता रहा है पुनीत चौकसी के साथ, तो कैसी है नाटी पिंकी के अर्जुन की रियल लाइफ जिंदगी, कैसी है उनकी फैमिली लाइफ, क्या है उनके शौक, कैसी वो रसोई में बनाते हैं खाना, कौन है उनके भाई, उनकी बहन, और देखेंगे उनके घर के नजारे, जानेंगे कि पर्दे पर निभाने वाले किरदारों से कितने अलग हैं पुनीत चौकसी। तो चलते हैं पुनीत के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। Hey guys, I am पुनीत चौकसी और आप लोग आजकल मुझे देख रहे हैं नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में, सो कम इन। आप लोग आज मेरे घर हैं और बहुत सारे आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। आज मेरा डे ऑफ है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें की जाए, कुछ रूबरू हुआ जाए, तो इंदौर के रहने वाले पुनीत मुंबई में अपने भाई संकेत चौकसी के साथ रहते हैं, जो खुद एक अभिनेता है। वैसे इनकी मम्मी भी इंदौर से आ गई हैं, तो जरा मिलते हैं पुनीत की फैमिली से। ये मेरी मम्मी है और ये मेरे भाई है संकेत चौकसी, ये आपके लिए एक सरप्राइज है। आपने इन्हें देखा होगा बहुत सारे शोज में, वारिस में, बुद्धा में, और अब इनका नया शो आने वाला है दिल जैसे धड़के धड़कने दो, इनफैक्ट आ चुका है और बस आप लोग उसे भी देखिए। भाई वैसे पूरी चौकसी की फैमिली बड़ी ही फिल्मी है, इनके भाई अभिनेता है, मम्मी को गाने का शौक है, इनकी बहन प्लेबैक सिंगर है, यानी ये है वो फैमिली जो साथ गाती है और साथ डांस भी करती है। कितनी होता है तो देख लीजिए दोनों भाइयों का ये नच। इस नच में मजा तब आता है जब मम्मी भी अपने राम और लखन को ज्वाइन करती हैं। जरा इनके सुर भी सुन लीजिए कि फैमिली मिलकर कैसे गाना भी गाती है। आया कहां से ये हौसला रे उरे पिया है। ये हमारे घर के चुलबुल पांडे हैं, चुलबुल पांडे। ये थोड़ा सा गंभीर है, कम बोलता है, सोच समझ कर बोलने वाला इंसान है। इसको एक्चुअली क्या है ना, सारे एक्सपीरियंसेस बच्चे जो होते हैं ना उनको बोलते हैं कि तुम छोटे हो रुक जाओ, लेकिन वो जो छोटे होते हैं ना एक्चुअली चुप होकर सब देख रहे होते हैं। तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सब इसने लिए हैं, तो हम आज तक जो भी जितने भी पाप किए हमने सब देखे हैं मैंने, सारे राज हैं मेरे पास इनके। वैसे पुनीत तो संकेत की मम्मी ने इन्हें रसोई के काम में भी बहुत निपुण बनाया है, तो जरा चलते हैं रसोई में और देखते हैं कि दोनों भाई अपनी मम्मी का हाथ कैसे बटाते हैं। सेव
टमाटर की सब्जी। अरे ये इंदौरी सब्जी है, मुंबई वाले क्या जाने। तो आज मेरी मम्मी सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। मम्मी बना, और मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल, आज मुझे मौका मिला है तो मैं हेल्प करूंगा। भाई पुनीत की रसोई में बन रही है सेव टमाटर की सब्जी, और इसमें ये अपनी मम्मी की मदद करेंगे। तो शुरुआत प्याज काटने से की जाए। हम प्याज को सॉटे करेंगे। और जब तक इसका रंग भूरा नहीं हो जाता तब तक हम इसमें टमाटर और सेव नहीं डालेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं ये सॉटे हो चुके हैं, थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसे कहते हैं देसी स्टाइल में सेव टमाटर की सब्जी बनाना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं डाइटिंग वाइटिंग नहीं करता था तब मैं कैसा हो गया था। तब मैं ऐसा दिखता था, कचौड़ी खाया करता था, समोसे खाया करता था, और जाने क्या क्या खाया करता था। और अब ये हूँ मैं। सो, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए, कुछ फैट खोना पड़ता है। हाँ यार मम्मी जल्दी बनाओ ना, भूख लग रही है। सीजने में तो टाइम लगेगा। फाइनली मम्मी ने फटाफट रेडी की सेव टमाटर की सब्जी। सेव करी आया, इंदौरी करी सेव करी। आइए खाते हैं इसे। भैया पूरी फैमिली मिलकर ये अपनी फेवरेट डिश खाएगी। रोटी थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ब्राउन राइस प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि सेव टमाटर अकेले खाए जाएं, उनका अपना टेस्ट होता है, तो आज मैं सेव टमाटर ऐसे ही खाऊँगा। कैसी बनी है? इसमें मेरे काटी हुई प्याज डली है। भाई खाना पीना तो हो गया, अब जरा जानते हैं कि पुनीत के हॉबी क्या है। भाई इन्हें गिटार बजाने का बहुत शौक है, और चूंकि इनकी फैमिली बड़ी ही म्यूजिकल है तो जरा सुने इनके गिटार के सुर। हो दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते। वैसे जरा लेते हैं पुनीत के घर का टूर, देखते हैं कौन से उनके घर के फेवरेट कॉलर्स। यहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है, मैं नहाने के बाद मुझे आदत है थोड़ी पूजा करने की, तो मैं पूजा करता हूँ और उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा फोकस रहता है, फोकस होता है, शांत रहता है। एक्चुअली मुझे ग्रीनरी बड़ी पसंद है और मेरी मम्मी को भी काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं जितनी स्पेस है उसके हिसाब से। और यहाँ पर ये पूरा गार्डन एरिया है, और यहाँ से ये गार्डन एरिया दिखता है, तो
तो मैं अक्सर यहाँ पर शाम को बैठ जाया करता हूँ। तो हम कह सकते हैं आपके घर का फेवरेट कॉर्नर है आपका? एग्जैक्टली, पास में ग्रीनरी है और बस मैं यहाँ पर ऐसे बैठ जाता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। इसके बाद पुनीत की मम्मी और भाई के साथ मिलकर उन्होंने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया। आज आपकी मुलाकात हम सास बहू और बेटियों में कराने वाले हैं लोगों से। बहुत अच्छी है। दीदी बहुत क्यूट लग रही तू हमेशा की तरह। ये देख, ये है मोहिनी श्री गौर हमारी बहन। तो ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी बड़ी सी बहन। शी इज मोहिनी श्री गौर। पता चला कि उनकी बहन भी बड़ी अच्छी सिंगर है। क्या बात है, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इस मुस्कान के लिए माफ नहीं करूंगी। तो देखा आपने पुनीत चौकसी की फैमिली, उनका घर, उनके भाई के साथ उनकी केमिस्ट्री, उनकी हॉबीज, और ये भी जाना एक किचन का काम भी वो कितना बखूबी जानते हैं और अपनी मम्मी के प्यारे हैं। यानी नाटी पिंकी के जीजा जी रियल लाइफ में बड़े ही संस्कारी हैं और आज पुनीत चौकसी का ये अनदेखा रूप दिखा सास बहू और बेटिया में। मैं खुद पुनीत चौकसी हूँ, उसको आपने पर्सनली देखा, आपने देखा मैं कैसे रहता हूँ, आप मेरे परिवार से मिले, मम्मी से, भैया से, मेरी दीदी से। सो मुझे बहुत अच्छा लगा सास बहू और बेटियों के साथ में, और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आप इन्जॉय करेंगे, और बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। मुंबई के साथ आज तक ही रहो।